नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। हम आज बनाएंगे मक्के के आटे से चौसेला। इसमें हम 2 कप मक्के का आटा लिए हैं, आटे को हम छान लिए हैं। आज हम नमक वाला चौसेला बना रहे हैं। इसके पहले हम मीठा चौसेला बना चुके हैं। सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे। इसमें 1 चम्मच हम डाल देंगे जीरा। हम इसमें 2 चम्मच डाल देंगे धनिया, थोड़ा सा अदरक डाल देंगे, 8 से 10 कली लहसुन डाल देंगे। इसमें हम 4 हरी मिर्च लिए हैं मीडियम साइज का। तीखा अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब इसको हम पीस लेंगे। ये देखिए, हम मसाले को तैयार कर लिए हैं और इसको हम बारीक नहीं पीसेंगे। ये देखिए, दरदरा पीसे हैं। इसमें हम डाल देंगे। इसमें हम डाल देंगे नमक, नमक 1/2 चम्मच लिए हैं। इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें हम धनिया पत्ती डाल देंगे। ये देखिए, मसाले को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लिए हैं। आटे को एक साथ हम नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। आटे को तैयार कर लेंगे। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा आटा लगाएंगे। ये देखिए, हम आटा तैयार कर लिए हैं। पूरा आटा नहीं तैयार किए हैं। कढ़ाई को गरम होने के लिए रख दिए हैं। तेल गरम हो रहा है। हाथों में थोड़ा सा पानी लगाएंगे। ये देखिए, हमारा तेल गरम हो गया है। गैस का फ्लेम मीडियम स्लो रखेंगे, इसको हाई में नहीं तलेंगे। इसको हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। जिस तरह हम पूड़ी बनाते हैं उसी तरह बनाएंगे। चौसेले को हम मीडियम स्लो में तलेंगे, हाई में नहीं तलेंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। इसी तरह हम चौसेला तैयार कर लेंगे।
ये देखिए हमारा चौसेला तैयार हो गया है। उतने आटे से हम 6 चौसेला तैयार किए हैं। आटे को तैयार करने में 1 कप हम पानी लिए थे, 3 से 4 चम्मच बच गया है। ये देखिए हमारा चौसेला तैयार है। टमाटर की चटनी के साथ बहुत ही टेस्टी लगता है, ट्राई ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें।